Hello everyone, in today's OC lecture 12th commerce we are going to start with a new chapter today, chapter number 4, and name of the chapter is business services. Okay, so let us start. Let me take you through with the ebook. So we are on page number 54. Yes, we are on 54, business services, chapter number 4. So we will have introduction first. Many times in 11th standard as well, we have discussed regarding services, business services. बहुत बार discuss किया. So services जब ये बात आती है तो हम फिर से एक बार यहाँ पर redefine कर लेते हैं ताकि हमारे mind में clarity रहे कि services होता क्या है. सर्विसेस आर इंटेंजिबल इन नेचर. सर्विसेस कैसे होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं, है कि नहीं? जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आती है, एक गुड्स, दूसरा सर्विसेस, जो आपकी डीलिंग होगी. इधर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और यू कैन बी अ ट्रेडर और यू कैन बी अ सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, या तो आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते होंगे, या तो आप परचेस करके सेल करते होंगे, या तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं. सर्विस प्रोवाइडर मतलब सेवाएं प्रदान करना. ये अपने आप में इंटेंजिबल है. कैसा है? इंटेंजिबल है. ठीक है, तो जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं उसके अगेंस्ट में वी रिसीव पेमेंट. तो यहां पर कौन सी ऐसे बिजनेस सर्विसेज हैं जिसको हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो भी आपने इकोनॉमिक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, तो जो भी डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन होते हैं, धीरे धीरे जो प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो कम होते जाता है और टर्शरी सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है बढ़ते जाता है. सिमिलरली इंडिया में भी आज की तारीख में सर्विसेज क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे समय पर हमें सर्विसेज के बारे में लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत बार आपके ध्यान में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत कम ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको पता नहीं होंगे. ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए 80-85% पोर्शन आपको क्या है ऑलरेडी पता है, बस उसे कैसे जॉट डाउन करना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट वी हैव टू नो हियर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सर्विसेस आर इंटेंजिबल इन नेचर. देखिए सबसे पहला लाइन यही बताया गया, सर्विसेस आर इंटेंजिबल इन नेचर. They are neither manufactured, transport, nor stocked. ना आप उसे create कर सकते हो, produce कर सकते हो, ना उसे एक जगह से दूसरी जगह आप transport कर सकते हो, और ना ही stock करके रख सकते हो कि बाद में आप क्या करें, उसे provide करें. But आज की तारीख में कुछ services को stock करके रखना क्या है? Possible है. Just like we teachers, है ना, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल क्या होता है, वी कैन रिकॉर्ड दिस लेक्चर एंड वी कैन सेल इट. स्टॉक मेंटेन हो सकता है, उसको बाद में सेल किया जा सकता है. ठीक है ना, बट फ्रॉम बर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम अगर देखें तो सर्विसेज को स्टॉक किया जा सकता नहीं है, ईच एंड एवरी सर्विसेज को. ठीक है, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज. आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते फ्यूचर यूज के लिए. हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली. जब वो प्रोड्यूस होता है तभी वो क्या होता है, कंज्यूम भी किया जाता है, मतलब उसका यूसेज होता है. फॉर एग्जाम्पल आपको शू पॉलिश करवाना है ना, शू पॉलिश करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पर्सन है ना, जो शू पॉलिश करता है उसके पास जाना पड़ेगा और इमिडिएटली वो क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? तो क्या आप उसके सर्विस को स्टोर करके रख सकते हो? नहीं रख सकते. वो ऑन द स्पॉट होता है, साइमल्टेनियसली जब प्रोड्यूस हुआ तब रिसीव हुआ, है कि नहीं? जैसे उसने दिया वैसे सर्विस हमने लिया. तो यहां पर सर्विसेज पहली चीज कैसे होती है, इंटेंजिबल होती है. दूसरा, नीदर मैन्युफैक्चर नॉट ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी स्टॉक्ड. ठीक है, तो आप उसे स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर पर्पस के लिए. जब प्रोड्यूस होता है तभी कंज्यूम होता है, ये साइमल्टेनियस नेचर है उसका. बिजनेस सर्विसेस आर दो सर्विसेस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस. तो जो बिजनेस सर्विसेस है ये मदद करता है कि आप सक्सेसफुली एक बिजनेस को कैसे रन कर सकते हो, बराबर है? दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, हेट्रोजीनियस.
ये क्या होता है? हेटरोजीनियस, सुना सुना लाके या देखा है पहली बार, हेटरोजीनियस जस्ट अपोजिट ऑफ होमोजीनियस, है ना। इकोनॉमिक्स में हमने देखा था होमोजीनियस, होमोजीनिटी, सेम टाइप ऑफ कमोडिटी जिसके अंदर सेम साइज, शेप, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। बट जहां पर सारी चीजें डिफरेंट हो उसे बोला जाता है हेटरोजीनियस। तो जो सर्विसेस है ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ आर्ट, है ना। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। आई विल टेक माई एग्जाम्पल, मेरा टीचिंग का तरीका अलग है दूसरे टीचर से, सब्जेक्ट सेम हो सकता है, चैप्टर सेम हो सकता है, बट कोई दूसरा टीचर अलग ढंग से पढ़ाएगा, मैं अलग ढंग से पढ़ाऊंगा, मेरे एग्जाम्पल्स अलग होंगे, उनके एग्जाम्पल्स अलग होंगे। तो ये क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, ये एक हेटरोजीनियस मैटर है। नेक्स्ट इज इनसेपरेबल, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज से अलग नहीं कर सकते हो, इट इज इनसेपरेबल, है ना। जो पर्टिकुलर पर्सन है वही वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे म्यूजिक चाहिए सोनू निगम से, तो मैं म्यूजिक को सोनू निगम से अलग कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। जहां पर उनका म्यूजिक चाहिए सोनू निगम को मुझे लाना पड़ेगा, ठीक है, रेदर देन रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेस टू फेस। तो जहां पर मुझे सोनू निगम का म्यूजिक चाहिए, कुछ कंपोज वगैरह करना है, तो वहां पर सोनू निगम को आना पड़ेगा, है कि नहीं? हम उसे सेपरेट कर सकते नहीं है। देन इनकंसिस्टेंट सर्विस क्या हो सकती है? इनकंसिस्टेंट हो सकती है। कभी आपको प्रॉपर सप्लाई मिल सकता है सर्विसेज का, कभी नहीं भी मिल सकता है। पेरिशेबल, पेरिशेबल मतलब जब आपको प्रोवाइड की गई तभी आपने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। सर्विसेज क्या होती है? तुरंत का तुरंत पेरिश हो जाता है, फिनिश हो जाता है ऑन द वेरी मोमेंट। ये से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जब प्रोड्यूस हुआ तभी कंज्यूम हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेरिशेबल इन नेचर। ओके, एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। जब हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो इसमें कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है। ओके, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मतलब ऐसा है कि जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको हेयर कटिंग के लिए सलून में जाना है, तो आप ऐसा उनको फोन करके नहीं बोल सकते ना कि मेरा हेयर ड्रेसिंग कर दो, मैं बाद में आती हूँ या बाद में आता हूँ, ऐसा बोल के कर सकते नहीं। आपको वहां पर जाना पड़ेगा, कंज्यूमर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे एज अ टीचर मैं यहाँ पर टीच कर रहा हूं, तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या ये लेक्चर हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहां पर जब भी सर्विस प्रोवाइड करने की बात आती है, कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ओके, मीनिंग पे आ जाते हैं। समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल, आप वीकेंड्स पे सपोज होटल्स में जा रहे हैं और होटल में आपको जाकर के कुछ अच्छा बेवरेजेस या कुछ अच्छा आपको डिनर करना है, ठीक है ना। तो आप किसी अच्छे होटल में चले गए, फॉर एग्जाम्पल बागीचा होटल है या अचीजा होटल है, मेघदूत होटल है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर होटल, गोविंदास है, ठीक है। तो आप वहां पर गए तो जो आपको वहां पर फूड वगैरह मिल रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये जो होटल इंडस्ट्री है, ये जो रेस्टोरेंट होते हैं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं? व्हाट विल बी योर आंसर? ठीक है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में गए, आपने मनचाओ सूप क्या किया, ऑर्डर किया, तो मनचाओ सूप के जो भी इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप मार्केट में परचेस करने जाओ तो मे बी यू विल गेट इट विद इन 30 to 50 rupees, उससे ज्यादा का खर्चा उसके अंदर आएगा नहीं, है ना, जो भी उसके अंदर आया। बट होटल में जब वो प्रिपेयर करके सूप आपको मिल रहा है, तो इट मे कॉस्ट यू बिटवीन 120 to 180 rupees, है कि नहीं। 120 से 180 रुपए आपको कॉस्ट उसका आएगा। तो अगर मैं 180 rupees का प्राइस उसमें लूं,
है ना, अच्छे रेस्टोरेंट में आप गए और 180, चलो 180 नहीं 120 रुपीज का प्राइस हम पकड़ते हैं, 120 रुपीज में से अगर हम उस फूड का जो कंटेंट है, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज हुआ है, उसका कॉस्ट लेंगे जो 50 रुपीज है अप्रोक्सीमेट, मैं ऐसा लेता हूं, तो एक्स्ट्रा जो 70 रुपीज है वो किस चीज का है? आप बोल सकते हैं सर उसको प्रिपेयर करना है, जो हमारा शेफ है उसमें, उसने टेस्ट क्रिएट किया उसका है, जो वेटर है वो आता है, क्लीनिंग मेंटेनेंस सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, है ना। तो मतलब एक प्रकार से वो सर्विस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो 50 रुपीज गुड्स का है और 70 रुपीज किसका है? सर्विस का। तो इसमें जिसकी ज्यादा मात्रा है ना वो कंसिडर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। गॉट इट एवरीवन? एग्जांपल नंबर टू, अभी मॉनसून का सीजन है और आप में से कोई बीमार पड़ गया, यू आर हैविंग वायरल फीवर, यू विजिट अ डॉक्टर और डॉक्टर आपको क्या करते हैं, चेक करते हैं और कुछ मेडिसिन लिख करके देते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, जब आप आए हो तो ऑन द स्पॉट भी आपको थोड़े बहुत मेडिसिन दे देते हैं जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, वो बोलते हैं आप मेडिकल शॉप से परचेस कर लो, है ना, जो फार्मासिस्ट है वहां से आप परचेस कर लो, करेक्ट है। तो आपको ये जो डॉक्टर है उसने क्या दिया, कुछ मेडिसिन दी, अपने पास से कुछ मेडिसिन दी, आप डॉक्टर को फीस प्रोवाइड करते हो। मे बी मैं एक नॉर्मल डॉक्टर की बात करूं तो 100 से 150 रुपीस वन टाइम विजिट का चार्ज वो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज वो कर रहे हैं वो किस चीज का चार्ज कर रहे हैं, गुड्स का या सर्विस का? तो हम यहां पर क्या चेक करते हैं, वी विल चेक प्रपोर्शन। यहां पर जो वो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है ना उसका कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल हो सकता है, बट कौन सी मेडिसिन देना है ना, कितने डोजेस देना है, कब कंज्यूम करना है, क्या प्रिकॉशंस रखना है कंज्यूम करते समय, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसको परहेज बताएंगे, ये सब क्या है? सर्विसेस है। तो ये जो मेडिसिन आपको साथ में मिल रही है आप बोल सकते हो गुड्स है, बट उसका बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन होता है, उसका बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन होता है। तो हम इसको सर्विस में ही काउंट करेंगे, किस में काउंट करेंगे? सर्विस में काउंट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थ्री, सपोज आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं या जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं उसमें वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है एंड यू हैव डिसाइडेड टू परचेस एन एंटीवायरस। आप किसी शॉप में गए और आपने पूछा अच्छा एक एंटीवायरस दिखा देना, ठीक है ना। तो बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में अवेलेबल हैं, नेट प्रोटेक्टर है ना, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस आपको भी पता है। तो जो वो पर्टिकुलर पर्सन है उसने क्या दिखाया आपको, एक सीडी दिया या डीवीडी जो भी रहेगा वो आपको देगा और बोलेगा इसमें एंटीवायरस है, इसका 300 रुपीज, 350 रुपीज या जो भी कॉस्ट है, हम एक पर्टिकुलर कॉस्ट ले लेते हैं 350 रुपीज। तो वो सीडी आपको वहां से मिल गई, ठीक है ना। आप सीडी घर पे लेकर के आएंगे और अपने लैपटॉप में उसे इंस्टॉल करेंगे और वो अपना प्रोसीजर चालू कर देगा, राइट है। तो मुझे आप बताइए, ये जो आपने सीडी परचेस किया आपने क्या परचेस किया, गुड्स परचेस किया या सर्विस परचेस किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर्विस। कैसे सर्विस? ये जो सीडी मिल रही है ना, आपको अगर एक ब्लैंक सीडी चाहिए तो आप जाओ शॉप में परचेस करने के लिए, इट विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 20-30 रुपीस। डीवीडी परचेस करते हो तो भी आपका कॉस्ट कितना लग जाएगा, 40-50 रुपीस, नॉट मोर देन दैट। उसके अंदर जो मटेरियल है वो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, क्या है वो? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। और वो कैसा प्रोग्रामिंग है? वो इनटेंजिबल है। आप अगर चाहें तो वो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय परचेसिंग। तो ये आपके तक आए इसका एक माध्यम क्या है? सीडी है। वो पेनड्राइव में भी आ सकता है, वो इंटरनेट से डायरेक्ट भी डाउनलोड हो सकता है। तो उसे कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिसका कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है। वो जो 350 रुपीस में पे कर रहा हूं उसमें से वो सीडी का कॉस्ट कितना होगा? नॉट मोर देन 20-30 रुपीस, मैक्स टू मैक्स 40 रुपीस, है कि नहीं। तो बाकी जो कॉस्ट है वो किसका है? बाकी का कॉस्ट है उस सर्विस का, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसके अंदर पुट किया गया है। तो हम उसे गुड्स नहीं बोलेंगे, व्हाट वी विल कॉल इट, we will call it as services provided by some software engineer,
फ्रॉम सम कंपनी. गॉट इट एवरीवन? तो ये एग्जांपल मैं इतने सारे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि पहले आपको क्लैरिटी हो जाए एक्चुअली सर्विसेज का क्या प्रपोर्शन होता है. हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आप लोग जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो जब आप ये परचेस करते हैं तो कंपनी वाले आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, राइट है? तो मुझे बोलिए कि जब आप ये सिम कार्ड परचेस कर रहे हो और एवरी टाइम आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, मंथली रिचार्ज करते हो या क्वार्टरली रिचार्ज करते हो, तो आप क्या परचेस कर रहे हो? आप गुड्स परचेस कर रहे हो कि सर्विस परचेस कर रहे हो? तो ये सर्विसेस में काउंट होगा. आपको ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रही हैं, डेटा प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो सिम कार्ड का कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, जो भी होगा 5 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज, है ना? तो जो आपको वहां से सर्विसेस मिल रही है सर्विसेस में काउंट होगा, हम उसको इग्नोर करेंगे सिम कार्ड के कॉस्ट को. तो सर्विसेस का आज के बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है. तो मीनिंग पे आ जाते हैं, sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with goods. Correct है, यही हमने डिस्कस किया कि goods के साथ वो इतने associated है, कभी कभी हम differentiate नहीं कर पाते हैं कि हमें goods मिल रहा है कि service मिल रहा है, right है? No transfer of possession or ownership take place when services are sold and they cannot be stored or transported. Services are instantly perishable and they come into existence at the time they are bought and consumed. लेकिन क्या बता दिया, ये इसका ownership, possession वगैरह transfer होता नहीं है. Service को आप transfer नहीं कर सकते, है कि नहीं? आप बोलेंगे लता मंगेशकर को आपकी आवाज मुझे दे दो, हो पाएगा? नहीं, गाना तो वही गाएंगे, है ना? आपको कैलाश खेर की आवाज चाहिए तो आप बोलेंगे थोड़े टाइम के लिए रेंट पे मुझे दे दीजिए, मैं गाता हूं आपकी आवाज में, होगा? नहीं होगा. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, है कि नहीं? उनका पोजीशन, उनका ओनरशिप आप ले सकते नहीं है. तो जब आप उसे सेल करते हैं उसी समय वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और आपको मिलता है. इंस्टेंटली क्या है, वो पेरिशेबल है, तुरंत उसका काम हो जाता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया, आप कहाँ गए, हेयर ड्रेसर के पास गए, तो हेयर ड्रेसर जब स्टार्ट करेगा आपके हेयर ड्रेसिंग करना है कि नहीं, और उसका जब काम खत्म हो गया तो उसकी सर्विस खत्म हो गई, राइट? तो देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए है फोटोज में, बैंकिंग है, देन वी हैव कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशन जिसे हम कॉल सेंटर वगैरह बोलते हैं, इंश्योरेंस, देन टेलीकॉम सर्विसेस, ठीक है? तो ये कुछ बिजनेस सर्विसेस हमारे सामने आ गए. डेफिनेशन, डेफिनेशन में आप देखेंगे बहुत बार ये जो फिलिप कोटलर है उनका नाम आता है, तो आप इन्हें ध्यान रखिए. अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस. सर्विस क्या है? एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना? दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर. एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है, ऑफर करती है. दैट इज एसेंशियली intangible and does not result in ownership of anything. इसके अंदर ownership जैसा कुछ होता नहीं है, मतलब आप जब इसे sell करते हो तो भी ownership transfer होती नहीं. Its production may or may not be tied to a physical product. इसका जो production होता है वो किसी physical product से tie up भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. For example, किसी ने गाना गाया तो उसको record करके cassettes में डाल दिया, है कि नहीं? तो वो फिजिकली दिख रहा है कैसेट है, बट इन रियलिटी क्या वो कैसेट ही आपका प्रोडक्ट है? नहीं, उसके अंदर जो आवाज है वही आपका प्रोडक्ट है कि नहीं? तो हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के साथ वो अटैच हो या ना भी हो. फिर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बता रही है, देखो, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल. एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, या सेल ऑफ गुड्स के कनेक्शन में आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्विस. क्या बोलेंगे? सर्विस, ठीक है? फीचर्स पे आ जाते हैं. आप क्या करेंगे, ये दोनों डेफिनेशन में से जो आपको बेटर लगे वो आप बाय हार्ट कर लीजिए,
तो जब भी सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज की बात होगी इनमें से एक डेफिनेशन आपको लिखना है। ओके फीचर्स पे आ जाते हैं। पहला फीचर तो हमने डिस्कस कर लिया था, इनटेंजिबल इन नेचर। क्या आप सर्विसेज को देख सकते हो? नहीं, हम सर्विस को देख सकते नहीं है, वी कैन ओनली फील इट, है कि नहीं। हम महसूस कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं, बट हम सर्विसेज को देख नहीं सकते। अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बायर और द रिसीवर। जो उसका बायर है या जो उसका रिसीवर है, जो कंज्यूमर है, वो उसे क्या कर सकता है? एक्सपीरियंस कर सकता है। सर्विस लैक्स मटेरियल फॉर्म, ये मटेरियल फॉर्मेट में होता नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल, और इसी वजह से ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विस कैन नॉट बी सर्विसेस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स। आप सर्विसेस को गुड्स के जैसा डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड इंपैक्ट ऑन द कंज्यूमर। इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने कस्टमर के ऊपर एक गुड इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। सही समय पर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करके वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जब तक गुड इंपैक्ट आप क्रिएट नहीं करते हो तब तक कोई आपसे इंप्रेस होगा नहीं, इसलिए सर्विसेज के लिए, ठीक है ना। तो आप गुड्स के जैसा उनको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो, एवरी टाइम आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। नंबर टू, इट इज इनसेपरेबल, है ना, इनसेपरेबिलिटी, मतलब आप सर्विस प्रोवाइडर को सर्विसेज से अलग कर सकते नहीं हो, ठीक है ना। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप कहेंगे सोनू निगम से कि आप अपना जो सॉन्ग है वो कुछ टाइम के लिए हमें दे दीजिए, ठीक है ना। तो क्या सोनू निगम की वॉइस आपके अंदर आ जाएगी, आप वैसा गा पाओगे? नहीं। तो यहां पर आप उनकी वॉइस को उनसे सेपरेट कर सकते नहीं हो, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल, सपोज कोई पेंटर है तो वो उसकी कला है वही प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं। आपने किसी पेंटर को बोला कि आप आइए मेरे घर पे और मेरी पेंटिंग बना दीजिए, सपोज उस दिन वो पेंटर बीमार पड़ गया एंड इंस्टेड ऑफ हिम उसने अपने नेफ्यू को भेज दिया, है ना, उसका कोई भतीजा है, उसने बोला कि चलो मेरी जगह तुम जाओ पेंटिंग बनाओ, आपको चलेगा क्या? नहीं, आप बोलेंगे अरे पैसा मैंने आपको आपसे पेंटिंग बनवाने के लिए दिया था, आपका नेफ्यू आके पेंटिंग बना के जाएगा वो थोड़ी चलने वाला है। तो आपको जो सर्विसेस चाहिए उसी पर्टिकुलर पर्सन से चाहिए, यू कैन नॉट सेपरेट इट, इट इज इनसेपरेबल, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू कस्टमर। जब कस्टमर को सर्विस डिलीवर कर रहा है तभी उसका क्या होता है? प्रेजेंस होता है। इन द केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। तो ये दोनों सेम समय पर होता है, जब उसका प्रोडक्शन होता है तभी उसका कंजम्पशन होता है। इनकंसिस्टेंसी, ये क्या है इनकंसिस्टेंसी? सर्विसेस आर हेट्रोजीनियस, मतलब हर एक का सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है वहां पर जो प्रोडक्ट हो वो सेम हो, जैसे मैंने बताया टीचिंग करने का तरीका हर एक टीचर का क्या है? अलग होगा। आप सेम सॉन्ग है डिफरेंट डिफरेंट सिंगर से गाने के लिए बोलिए, अलग मिलेगा। पंकज उधास अलग तरीके से गाएगा, हनी सिंह अलग तरीके से गाएगा, है कि नहीं। तो ये जो हेट्रोजिनिटी है यहां पर इसकी बात करें, देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस। सर्विस का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। हो सकता है उसी पर्सन ने जब वो सर्विस दिया दूसरे टाइम कुछ अलग ढंग से दिया, हो सकता है ना। फर्स्ट टाइम उसने वो सर्विस अच्छी दी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाया। फर्स्ट टाइम जब आप जिस रेस्टोरेंट में गए थे शेफ भी वही था, उसने बहुत अच्छा सूप बनाया, आपने पिया आपको मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम आप गए तो हो सकता है वो सूप उतना अच्छा नहीं बना, उतना अच्छा टेस्ट जागृत नहीं हुआ, हो सकता है। तो यहां पर क्या होती है? सर्विस डिफर कर सकती है। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, देखो वही बात है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है सेम हो, शेफ सेम है, सिंगर सेम है, लेकिन आपको जो वहां पर मिल रहा है हो सकता है वो थोड़ा अलग हो। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, डिफर कर सकती है।
फॉर एग्जाम्पल सम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू टू डिफरेंट कस्टमर, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है, है कि नहीं? पॉइंट नंबर फोर इज व्हाट? पेरिशेबिलिटी. तो पेरिशेबल का मतलब क्या होता है? विच इज डेट्रोरिएटेड इन फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही समय में या कुछ ही टाइम पीरियड में, स्मॉल पीरियड में जो क्या हो जाए, डेट्रोरिएट हो जाए, पेरिश हो जाए, उसे पेरिशेबल बोलते हैं. समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे मिल्क है, है ना, आप मिल्क परचेस करते हैं, अगर आप उसे बॉइल ना करें तो विद इन 5 to 6 hours वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है कि नहीं? अगर आप बॉइल कर भी रहे हैं तो भी कितना आप वर्कआउट कर सकते हैं, 2 days maximum 3 days, उसके बाद तो खराब हो जाएगा. तो ये पेरिशेबल होता है. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल आप लेकर के आए, आपने फ्रिज में डाल दिया, तो भी आफ्टर अ वीक और टू आपको लगेगा अब ये खाने जैसा है नहीं, है ना, क्या हो गया, पेरिश हो गया. तो जो चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं उसे बोला जाता है पेरिशेबल. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल. आप सर्विसेज को क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते. बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन देयर कैन नेवर बी एन इन्वेंटरी ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज को स्टॉक भी नहीं किया जा सकता, आप सर्विसेज को स्टॉक बना करके भी रख सकते नहीं है. अनलाइक गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल, बाद के लिए आप उसको स्टोर भी करके नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल द वेकेंट सीट ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द आफ्टरनून, है ना. तो मॉर्निंग में जो फ्लाइट हम चला रहे थे उसमें कुछ सीटें क्या थी, वेकेंट थी. क्या हम उसको इवनिंग में यूज कर सकते हैं? नहीं, उस टाइम वो फ्लाइट चली गई, अब उसका यूसेज हो सकता नहीं है. इसके लिए यहां पर क्या बोला गया है, ऑन द वेरी मोमेंट इट विल गेट पेरिश. गॉट इट एवरीवन? पॉइंट नंबर 5 इज नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. यू कैन नॉट ट्रांसफर इट. अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेस आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. हाँ, सारे सर्विसेस की बात करें, ऑल सर्विसेस आर नॉन ट्रांसफरेबल. द ओनरशिप ऑफ सर्विसेस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कंज्यूमर. आप उसे ट्रांसफर कर सकते नहीं. फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ द रूम रिमेन्स विद द होटेलियर, है ना. आप जाएंगे होटल में एक रूम बुक करेंगे तो क्या वो रूम आपका हो गया? नहीं, आपको सिर्फ 1 day या 2 day जितने पीरियड के लिए आपने उसे बुक किया है उतने पीरियड के लिए उसका पोजेशन मिलता है, बट वो रूम आपका हुआ नहीं है, है कि नहीं? तो यहां पर आपको ओनरशिप नहीं मिल रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हेंस इट इज नॉन ट्रांसफरेबल. कंज्यूमर पार्टिसिपेशन फॉर सर्विसेज, पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड. जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, है ना. तो जब तक आप यहाँ पर प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगे सर्विस डिलीवर हो पाएगी नहीं, ठीक है ना. तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत नीडेड है, जरूरी है. द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर. बिना कस्टमर के प्रेजेंट किए सेलर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा. वाइस वर्सा, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस. कस्टमर को भी नहीं मिल पाएगा जब तक यहाँ पर सेलर नहीं दे रहा है, और सेलर तब तक नहीं दे पाएगा जब तक कस्टमर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना. तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे, 6 points रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ सर्विसेस. फर्स्ट पॉइंट वॉज इंटेंजिबिलिटी, सेकेंड इनसेपरेबिलिटी, थर्ड इनकंसिस्टेंसीज, फोर्थ पेरिशेबिलिटी. इट इज पेरिश्ड व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड. नंबर 5 नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. नंबर 6 कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड. ओके, आफ्टर फीचर्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स बिजनेस सर्विसेस. बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर. ये हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में जहां पर बिजनेस की बात करते हैं ये वर्डिंग हमें मिलती है कि बिजनेस आप आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते. देखिए आज की भी तारीख में जो पेंडेमिक है ना, कोरोना वायरस कोविड-19 आ गया है, तो
तो जब भी लॉकडाउन हो गया था और सब लोग अपने घरों में बैठे थे, क्या बिजनेस चल रहा था? बहुत ही नॉमिनल वे में, जो बहुत ही जरूरी सामान है वही सेल कर पा रहे थे, बाकी सब सेल नहीं कर पा रहे थे। क्यों? जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो सेल क्या होगा, है कि नहीं? तो आइसोलेटेड मैनर में आप बिजनेस कर सकते नहीं है, अकेले आप बिजनेस नहीं कर सकते। यू नीड एन एनवायरमेंट। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। तो आपको तेजी से बिजनेस को ग्रो करना है तो कुछ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू ग्रो। तो हम कौन से सर्विसेज की बात कर रहे हैं? ऐसे बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी, है ना? बाकी कोई सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम यहाँ पे लॉयर की सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर की सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगर की सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो आपके बिजनेस में आपके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। एंड हेल्प बिजनेस टू फंक्शन सीमलेसली। तो बिजनेस को बहुत ही स्मूथली फंक्शन करने में मदद करेंगे। टाइप्स में आ जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टाइप्स हैं बिजनेस सर्विस में? पहला नाम आ गया बैंकिंग सर्विस का, सेकंड इंश्योरेंस, थर्ड वेयरहाउसिंग, देन ट्रांसपोर्ट एंड देन कम्युनिकेशन। देखो कितना सिंपल है। इसे अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं एड्स टू ट्रेड। क्या बोल सकते हैं? एड्स टू ट्रेड, मतलब ऐसे सर्विसेज जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हेल्प इन ट्रेडिंग, हेल्प इन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर कौन से ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? जो भी बिजनेस एक्टिविटी आपकी हो उसके अंदर आपको बैंकिंग का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें आपको इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, वेयर हाउसिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है और कम्युनिकेशन का हो सकता है। तो एक एक करके हम इस सारे फैक्टर्स को देखेंगे। पहला है बैंकिंग, है ना? द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको। कौन सा वर्ड? फ्रेंच वर्ड। तो ये आपको बाय हार्ट कर लेना, विच मीन्स अ बेंच, ठीक है ना? तो पहले कैसा होता था, एक बेंच ऐसा लगा दिया जाता था, बेंच इन द सेंस टेबल, और वहां पर जो पर्टिकुलर पर्सन होता था वो क्या करता था, वो मनी एक्सचेंजर होता था या लोन प्रोवाइडर होता था। तो आप उसके पास जाते थे, आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करा सकते थे या उस पर्टिकुलर पर्सन से लोन ले सकते थे, है कि नहीं? आपने देखा होगा ओल्ड मूवीज के अंदर साहूकार जो होते हैं वो मुनीम वगैरह ऐसे बेंचेस लेकर के बैठे रहते थे, और सामने वाला कोई पर्सन आता था तो उसके सामने वो क्या निकालते थे, अकाउंटिंग सिस्टम निकालते थे, रिकॉर्ड करते थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, इंटरेस्ट वगैरह रिसीव करते थे, है ना? तो ये जो बैंक का काम है ज्यादातर किसके थ्रू होता था, बेंचेस के थ्रू होता था। इसके लिए ये जो फ्रेंच वर्ड है क्या है, बैंको, विच मीन्स अ बेंच। इन अर्लियर डेज मनी लेंडर्स यूज टू डिस्प्ले कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन बिग हीप ऑफ बेंचेस। तो बेंचेस के ऊपर क्या करते थे, बड़े बड़े हीप, मतलब वहां पर जमा कर देते थे कॉइन्स को, और टेबल फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। तो कोई भी पर्सन जिसको एक्सचेंज कराना होता था वो पर्सन वहां पर आकर के अपने जो कॉइन्स हैं वो एक्सचेंज कराता था। तो ये जो वर्ड वहीं से आया है बेंच, जिसको फ्रेंच में बोला जाता है बैंको, ठीक है? मीनिंग, a bank is a financial institute which deals with deposits and advances. So bank ka kaam kya hai, deposit accept karna aur advances provide karna. Advances ka matlab yahan par kya ho jata hai, loan provide karna and other related services. Aaj ki tarikh mein bank wahi sab kaam bahut sare karta hai, aapka electricity bill hai, insurance ka payment hai, ye sari cheez bhi karta hai. Bank provide various services related to money or financial requirement of customer. As per the Indian Banking Resolution Act 1949, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो Banking Regulation Act है वो 1949 है। Banking Company means, उसके accordingly, अगर कोई banking company है तो उसका मतलब क्या है? Any company which transact the business of banking in India, कोई भी company जो banking business करती है उसे हम क्या बोलेंगे, banking company। तो सर banking का business मतलब क्या होता है, मतलब deposit accept करना, money lend करना, ये दो ही काम है बैंक के। जो मेन कोर बिजनेस है वो दो ही है, क्या? आपसे डिपॉजिट लेना और नीडी पर्सन को लोन देना, है ना? प्रोवाइडिंग क्रेडिट, लेंडिंग। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी इज द कोर बिजनेस ऑफ बैंक। तो ये जो काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग
कंपनी, ऐसी कंपनी जो काम करेगी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और मनी लेंड करेगी, उन्हें हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। एंड द वर्ड बैंकिंग हैज बीन डिफाइंड एज, बैंकिंग को डिफाइंड किया गया देखो, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आपसे पैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, कि किसी को दे सकें, और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, या पब्लिक से क्या लें, पैसे लें ताकि वो उसे इन्वेस्ट कर सके। रीपेबल ऑन डिमांड, तो आपने जो पैसा जमा किया जब आप डिमांड करेंगे तब वो आपको रिटर्न कर देंगे, और अदरवाइज या एफडी वगैरह हो सकता है जिसके अंदर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो। एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड अदर, सॉरी एंड ऑर्डर और अदरवाइज, जिसका आप विड्रॉवल चेक के थ्रू कर सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे मीन्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंकिंग कंपनी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इस चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज व्हाट, सेंट्रल बैंक। हमारे कंट्री के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, आरबीआई, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, ठीक है। देन वी हैव कमर्शियल बैंक, द बैंक विच वर्क्स फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम बोलते हैं सहकारी बैंक। देन वी हैव डेवलपमेंट बैंक, कुछ बैंक को गवर्नमेंट के थ्रू या कुछ स्कीम के थ्रू लॉन्च किया गया था सो दैट दे कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो उसे डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। फिर कुछ अलग अलग टाइप के बैंक है, एक्सचेंज बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग में हेल्प करते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, वहां पर वर्क करते हैं। सेविंग बैंक है, जो आपका सेविंग से रिलेटेड जो भी आपका अमाउंट है उसे रखते हैं। देन इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऐसे बैंक जो आपके पैसे को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। देन स्पेशलाइज्ड बैंक, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट, सेंट्रल बैंक। एज आई सेड, सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई फॉर अस, है ना। हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया का कौन सा है, आरबीआई। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पोजीशन रखता हो, सारे बैंक के अंदर सबसे हाई पोजीशन किसका है, आरबीआई का, तो इसलिए इसको बोला जाता है एपेक्स बैंक। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, खुद का होता है सेंट्रल बैंक। इन इंडिया द आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। The RBI was established in 1945 under the RBI Act 1944. Some functions of RBI are as follows. तो कुछ functions यहाँ पर दिए हैं, RBI करता क्या है। यहाँ पे एक question पूछना चाहूंगा, आप लोगों में से किसी का RBI में account है क्या, या आपके किसी relative का, friend का, कोई पहचान वाले का RBI में account है किसी का? तो नहीं, हमने कभी ऐसा सुना नहीं है कि किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का, कोई पहचान वाले का उसमें अकाउंट हो। क्यों? आरबीआई इज एपेक्स बैंक, इट इज बैंकर्स बैंक और गवर्नमेंट्स बैंक, है ना। तो इसमें किसके अकाउंट होते हैं, बैंक के अकाउंट होते हैं और गवर्नमेंट के अपने अकाउंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जनरल पब्लिक का अकाउंट, कंपनीज का अकाउंट आरबीआई में हो सकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई कि इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या, पहला फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, ये पूरे कंट्री का जो मॉनिटरी पॉलिसी होता है उसे वो फ्रेम करता है, एक ढांचा देता है कि कैसा मॉनिटरी पॉलिसी होना चाहिए। इश्यू करेंसी नोट, जो भी हमें करेंसी मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है, यहां से प्रिंट होकर के मिलती है। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक है जो पूरे नेशन में करेंसीज को क्या करता है, प्रिंट करके सर्कुलेट करता है, ठीक है। एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी क्या है, बैंक है, तो एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया, ये दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स हैं या अदर बैंक्स है उनका भी क्या है, ये बैंक है। तो इसमें जैसे बताया गया कि बैंक के अकाउंट आपको मिलेंगे या गवर्नमेंट के अकाउंट इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। Now the term comes commercial bank. Who are commercial banks? The commercial bank plays an important role in economic and social development of the country.
कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैंकिंग सिस्टम को रन करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मनी लेंड करते हैं, और इनकी वजह से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज, क्या क्या काम करते हैं? प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, पैसा डिपॉजिट के रूप में लेना और लोन के रूप में देना। एंड सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या है दूसरा? एजेंसी फंक्शंस एज यूटिलिटी फंक्शंस, मतलब आपके जो दूसरे वर्क होते हैं ना बैंक के थ्रू, आपका इंश्योरेंस का पेमेंट कर देना, लाइट बिल का पेमेंट कर देना, ECS का आप कुछ करा के रखते हो किसी को पेमेंट करने के लिए, किसी को फंड ट्रांसफर करना है, ये सारी जो एक्टिविटीज है इसको हम सेकेंडरी फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। तो इंडिया में तीन टाइप के बैंक हो सकते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक वेयर मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर है जिसमें ज्यादातर पैसा किसका लगता है? गवर्नमेंट का, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है या SBI है, इसमें गवर्नमेंट का फंड ज्यादा लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। नंबर टू, प्राइवेट सेक्टर बैंक आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एटसेट्रा, तो इन कुछ लोगों ने मिलकर के प्राइवेट बैंक बनाया। नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट दीज बैंक्स हैव ब्रांचेस इन इंडिया। तो जो फॉरेन बैंक होते हैं वो क्या होते हैं? इनका एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे कंट्री में होता है और ये वर्क हमारे कंट्री में करते हैं या हमारे जैसे और कंट्रीज में करते हैं, जैसे सिटी बैंक है, HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बैंक है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इनका प्राइमरी फंक्शन भी होता है, सेकेंडरी फंक्शन भी होता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग पॉइंट नंबर थ्री। तो हमने पहले देखा कमर्शियल बैंकिंग और अब देख रहे हैं कोऑपरेटिव बैंकिंग। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो आपको पता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में जब पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें एक आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसका जो एक अलग से एक्ट बना है, अगर कोई बैंक उसमें रजिस्टर होके एस्टेब्लिश हुआ है तो उसे हम बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही चलाया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। तो जो कोऑपरेटिव बैंक है उस ज्यादातर कहां पर होते हैं? जो सेमी अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है वहां पर ये ज्यादा चलते हैं। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। इसके नाम में क्या लिखा हुआ? कोऑपरेटिव। और हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जो भी कोऑपरेटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं, है ना, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, ऐसा जो स्लोगन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है या बैंक है, इसमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मिलकर के क्या करता है? एक लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह प्रोवाइड करता है या बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। तो जहां पर छोटे छोटे लोन्स चाहिए फार्मर्स को या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो बैकवर्ड लगे उनको चाहिए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन काम होता है कि इनको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या प्रोवाइड किया जाए? लोन प्रोवाइड किया जाए। तो आप कंपेयर करेंगे कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव बैंक के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है, और कोऑपरेटिव बैंक का कम होता है। ठीक है, जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट थ्री डिफरेंट लेवल। तो कोऑपरेटिव बैंक का तीन लेवल क्या है? पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, फर्स्ट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो ये जो है ये विलेज लेवल पे काम करता है। किस पे? विलेज लेवल पे। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पीपल, पब्लिक या पीपल। तो ये जो उनके मेंबर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं। दे also गेट funds फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द purpose ऑफ lending। तो इन्हें अगर पैसे चाहिए तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इनकी हेल्प करते हैं,
या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उनकी हेल्प करते हैं, वहां से पैसा आता है और ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर टू, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये कौन से लेवल पे काम करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। दे ऑब्टेन डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पब्लिक है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, और इन्हें पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी मिल सकता है लेंडिंग पर्पज के लिए, ठीक है। थर्ड वन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दिस बैंक ऑपरेट एट स्टेट लेवल, कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं? स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये फंड्स किसको देते हैं? जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एज रिक्वायर्ड। तो इनका जो पैसा है, ऊपर मेंशन ये दोनों जो था, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है ना, उनको ये अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आल्सो परफॉर्म फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो स्टेट कोऑपरेटिव वो क्या करता है? मॉनिटर करता है। किसको मॉनिटर करता है? डिस्ट्रिक्ट को और प्राइमरी को। मतलब ये प्रॉपर बैंकिंग फंक्शन निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, है ना, इनका रोल प्रॉपर प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कौन ध्यान रखेगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बाकी दोनों के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। तो यहां पर हमने कौन कौन से बैंक देखे? फर्स्ट हमने देखा सेंट्रल बैंक इंडिया में, जिसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव सीन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब क्या हो जाता है? जो प्रॉफिट मोटिव जिसका होता है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करके वो मनी लेंड करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जनरली, ठीक है। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में मतलब सहकारी बैंक हो गया, इसमें जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके तीन लेवल होते हैं, पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, डन फॉर द डे। आप लोगों को गो थ्रू करना है, रीड करना है एक बार, हो सके तो उसे लिख करके बाहर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।